हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी टैब का जो इमेज साइज है वो परफेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ताकि हम जो अपने कम्युनिटी टैब में जब भी किसी भी इमेज को जो है वो पोस्ट करें तो वो जो है इधर उधर से जो है वो कटे ना, वो जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो पोस्ट हो और हमारा जो है वो सही तरीके से पोस्ट हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो गलती कर देते हैं अपने कम्युनिटी टैब का इमेज साइज जो है वो सेलेक्ट करने में, जिस वजह से जो है उनका जब भी वो अपलोड करते हैं अपने कम्युनिटी टैब में अपने किसी भी इमेज को, तो वो क्या होता है यहाँ पर उनका जो इमेज है कभी इधर से कट जाता है और कभी उधर से कट जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है बिल्कुल सैंपल तरीका बताने वाला हूँ, जिससे जो दोस्तों आप भी जो है ये सीख जाएंगे कि कम्युनिटी टैब का जो इमेज साइज है वो परफेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो ये काफ़ी खास होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को जो आप बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जो है वो देखते रहें। तो दोस्तों ज़्यादा समय गमाते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जो है यहाँ पर जो मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन है वो दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको जो है एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिसका नाम है पिक्सल लेब। तो दोस्तों ये जो आपको प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का जो है इसका इंटरफेस है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए जो हम पिक्सल लेब को जो दोस्तों यहाँ पर जो हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपने कम्युनिटी टैब का इमेज साइज सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस थ्री डॉट पे आपको जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इमेज साइज पर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप जो है वो कट कर दें और आपको डालना है 800 और फिर यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपको जो है वो टाइप करना है 800 और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये जो हमारे कम्युनिटी टैब का जो यहाँ पर जो है वो इमेज साइज जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब हम जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं यहाँ पर जो हम दोस्तों कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस कलर को जो है वो सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से एक कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमें जो ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको जो हम चलिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो किसी भी इमेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं या कुछ भी जो है अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, ये बीच वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इमेज पर जो है दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम जो इस थंबनेल को लगाना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों अगर इस तरीके का थंबनेल अगर आपने बना रखा है अपने चैनल के लिए तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो है इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको खींच के जो इसको बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको जो इस तरीके से जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो ये दो जगह जो आपको दिख रहा होगा ये खाली खाली, इसमें जो दोस्तों आप जो है जो भी चाहें जो है अपने पसंद का जो यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो भी चाहें। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मुझे जो यहाँ पर जो है वो कुछ भी जो है वो लिखना नहीं है, कुछ भी टाइपिंग जो यहाँ पर नहीं करना है। तो मैं जो है वो क्या करूँगा यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट जो है इसे सेव कर दूँगा और उसके बाद मैं कर दूँगा सेव गैलरी पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको छोटे मोटे ऐड जो है वो देखने के लिए जो है वो मिल सकते हैं और ये एप्लीकेशन जो दोस्तों वो बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए जो है दोस्तों इसमें छोटे मोटे ऐड जो है वो आ जाता है जब हम सेव करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इमेज साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने कम्युनिटी टैब का जो इमेज साइज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।